गाड़ी चला था, बंबई में कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, हम ही ड्राइवर एक तेज था जो आदमी को ढो के पहुंचाया आदमी के घर। लेकिन नहीं, ड्राइवर की कोई कदर नहीं है, प्रेजेंट टाइम में ड्राइवर एक बेकार आदमी है। ड्राइवर के समझ लीजिए भैया कि हर तरह से ड्राइवर परेशान है, किसी के दरवाजे के सामने ड्राइवर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता। तो आप इस काम से खुश हो, जैसे आप बता रहे हो भैया, खुश तो है ही क्या, चल रही है या फिर आपका ये रोजगारी है? हाँ रोजगार, हम लोग का रोजगार यही का ना है, सीखे हैं बचपन में जो सीख लिए वही निभा रहे हैं। तो आप घर चलाने के लिए चलाते हो इसको, आपका शौक नहीं है? शौक नहीं है, घर चलाने के लिए चला रहे हैं भैया, क्या करें, मजबूरी है। जो कमाई पहले था, अभी हम लोग 100 रुपए में खाना खा रहे थे कंडक्टर ड्राइवर, अभी जाओ खाना खाने 300 रुपए एक टाइम में खत्म हो जा रहा है। तो इसका खर्चा आपकी जेब से जाता है या फिर सेट देता है? सेट देता है, खाने का खर्चा सेट देता है। तो आपकी सैलरी कितनी रहती है और कैसे, मतलब? हम लोग का सैलरी कुछ नहीं है भैया, समझ लीजिए हम लोग चलते हैं। अच्छा, 3000 रुपया सैलरी है, 3000 रुपया सैलरी क्या होने वाला, आप बताइए। तो चक्कर पे ही नाम देते हैं, चक्कर पे यहाँ से कच्चा माल हम लोग भरते हैं, जैसे प्याज हुआ, लहसुन हुआ, अदरक हुआ, टमाटर प्याज हुआ, यही सब हम लोग भरते हैं। तो उसमें का नहीं नाम लग जाता है हम लोग का, 2000, 3000, 4000, यही हम लोग की कमाई है। टाइम पे हमको गाड़ी लगाना, अगर गाड़ी टाइम से नहीं लगी तीसरे दिन चौथे दिन जिस दिन की मंडी रहेगी पूरा इनाम गया, वो भी चला गया, इनाम चला जाएगा। अगर टाइम पे पहुंच गया तो इनाम मिलेगा। अब रास्ते में हम कैसे झेल रहे हैं, व्यापारी से नहीं मतलब, न मोटर मालिक से मतलब है, वो हम अपनी परेशानी हमें जान रहे हैं, हमें टाइम से उनके पास पहुंचना है। तो कुल मिला के आपका पूरा जीवन दिक्कत रहता है कि आपको समय टू समय इधर भैया रिक्स तो हमारे पैसा मिलता है, रिक्स तो हमारे जीवन में वैसा, इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हैं, रिक्स तो हमारे पास वैसा है। 24 घंटा जागने एक आदमी के लिए क्या मामूली बात है, 36 घंटा हो गया अभी तक सोए नहीं है। उधर से भैंस लाद के लाए थे, इधर प्याज लादने के लिए खड़े हो गए, यही जो आज खड़े हो गए यही हमें रेस्ट मिलेगा, फिर जब कल लग जाएगी फिर चलते ही रहेंगे। 3 दिन लगातार चलते रहो, बस उतने टाइम गाड़ी पे रुक जाओ, होटल पे खाना खा लो, नाश्ता कर लो, उसके बाद चलते रहो। तो महीने में आप लगभग गाड़ी से कितना किलोमीटर घूम लेते हैं? महीने में हम लोग के चक्कर ये मान के चलिए 6-7 हजार किलोमीटर चलते हैं, 7 हजार किलोमीटर मान के चलिए, 7-8 हजार किलोमीटर महीने में 3 चक्कर हम लोग यहाँ से बिहार का मारते हैं, इंदौर बिहार। ड्राइवर की लाइफ कोई लाइफ नहीं रहती, हम लोग बस खाली हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं, अपना समय पास कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं गाड़ी से, और एक इनकी दुआ आशीर्वाद है जो चल रहे हैं। बाकी इसमें ना ये कोई पता है मौत कब आएगी, ना ये कोई पता है जिंदगी कब आएगी, इसमें कोई पता ही नहीं है कहाँ कब क्या आ गया। एक ऐसा खेल है जो खेलते रहो, नसीब की बात है, जहाँ नसीब खत्म हो गए वहीं कहानी खत्म है। ड्राइवर की लाइफ कोई लाइफ नहीं है, ड्राइवर से इतनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, कम से कम 20-30 गाड़ी है, आप किसी से पूछ लीजिए अपने लाइफ से, आप ड्राइवरी से खुश है? कोई अगर बोले कि हाँ खुश है तो जो कहेंगे भैया, कोई ड्राइवर प्रेजेंट टाइम में नहीं खुश है, कोई ड्राइवर गाड़ी से नहीं खुश है, बस यही सीख लीजिए, ना ड्राइवर खुश है ना मोटर मालिक खुश है, किसी तरह सीख लिया है तो इसे पूरा कर रहे हैं। मोटर मालिक क्यों खुश नहीं है? मोटर मालिक नहीं है भैया, माली नहीं है, गाड़ी नहीं उसकी चल रही तो तुम्हें क्या देगा वो, उसकी भी गाड़ी खड़ी, वो भी परेशान है, किस तरह नहीं टाइम बजाएगा, तो अब जब गाड़ी नहीं चलेगी तो देगा क्या वो, इसलिए वो भी नहीं खुश है। भाड़ा उस हिसाब से जो हिसाब से लगना चाहिए भाड़ा नहीं लग रहा है, गाड़ी में इतना खर्चा आ गया, इतना खर्चा कि क्या बताएं आपसे, वही बोल रहे ना, हर आदमी ये सोचता है कि गाड़ी वालों के पास पैसे का पेड़ लगा है, किसी फैक्ट्री में चले गए भरने, गार्ड को पैसा चाहिए, मुंशी को पैसा चाहिए, मैनेजर को पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, कहाँ से गाड़ी वाला ला के देगा, कहाँ से बचाएगा, एक टायर लगे, एक जोड़ी टायर लगाने में सब कुछ सोचना पड़ जा रहा है, किस्त कहाँ से जाएगी, टायर कहाँ से जमा लगाएंगे, जो जिसको नहीं मालूम उसको सिर्फ पैसा चाहिए भैया, चाहे गार्ड हो चाहे जो, सबको पैसे चाहिए। इसीलिए पहले अगर दीजिए ना कि क्या ना गाड़ी के अंदर ही मान के चलिए, सब यही सोचते हैं कि गाड़ी में बहुत पैसा है, जितना सोचते हैं सब उतना है नहीं, एक मजबूरी के नाम पे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं किसी तरह, चलिए घर का काम चल रहा है, तो इससे अच्छा है अगर आदमी चाय की गुमटी रख लेना, जिंदगी भर सुकून में रहेगा, चाय की एक गुमटी रख के, क्या करेंगे, मजबूरी है भाई, जो आदमी घूमा है गाड़ी चला रहा है, कह कि चला बम्बई में बैठा है, कलम पकड़ा देती वहाँ लिखित करे तुम्हारा बैठ के जगह लिख थोड़ी पैबा भाई, ड्राइवरी सीख ले बाटी, ड्राइवरी ही करे जानी ला, न कलम चला ले न कलम चला जानी ला,
ड्राइवरी एक हम लोग का ऐसा हुनर है, सीख लिए हुनर चला रहे हैं। बाकी ये नहीं किसी को मालूम है ड्राइवर अपने परिस्थिति में है कैसा, बस खाली अगर कोई बात हो रहा है तो पहले मार लो, पैसा ले लो, मोबाइल छीन लो, डीजल निकाल लो, टायर खोल लो, तिरपाल उतार लो, माल क्या बढ़िया लगा उसको उतार लो, उसके बाद तब कोई बात पूछ सकता है। पहले नहीं कोई पूछता भैया कौन से परिस्थिति में हो। अभी पिछले बार की आप वीडियो देखिए, अभी झांसी की वीडियो आ रहे थे रास्ते में, देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी एक ड्राइवर है। सारा दिक्कत जो है देखिए, देखिए ये भी एक ड्राइवर है। जितना पैसा कमाई हो रहा था सब आधा तो टूल वाले ले रहे हैं, जितना रोड पे टूल हो गया। अभी यहाँ से गोरखपुर आने जाने में हमको 70,000 रुपए का टूल देना पड़ता, 18,000 का लखनऊ में जो गाड़ी में बता रहा है चला जा रहा है। गुना में लॉकडाउन में मेरी गाड़ी पलटी थी, बता रहे भैया निकालने वाला कोई नहीं था, सब प्याज ढोने वाले थे, 11 कुंटल प्याज वहाँ के लोग ढोए थे। हम ड्राइवर कंडक्टर गाड़ी के अंदर पड़े थे, जब हम वहाँ से निकले दाहिना शीशा फोड़ के बाहर निकले तब कंडक्टर को बाहर निकाले। ये क्या किया जाएगा यार भाई, मजबूरी कर रहे हैं चला रहे हैं, परिवार अपना जिलाना है, पेट पालना है तो कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ही, ऐसा थोड़ी बैठ के काम चलेगा। अभी आप लोग 6-7 हज़ार किलोमीटर महीने में चलते हैं, तो आपको रोड अभी तक सबसे अच्छा कौन सा लगा है? भैया रोड तो हर कोई अच्छा है, कुछ भी नहीं अच्छा है। अच्छा। हाँ माल अगर सही साइड मिल गया, सही साइड चल रहे हैं तो हर रोड अच्छा है, नहीं चल रहे हैं तो हर रोड खराब है। भैया देखने में तो हम लोग इतने दिलदार आदमी हैं कि अगर कोई मिलेगा तो यही बोलेगा ये तो बंदा हरदम अच्छा है, लेकिन अंदर से इतना परेशान रहते हैं क्या बताए। गाड़ी लाइन से 75 नहीं तो मान के चलिए 50% आदमी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़े हैं, चाय वाला है, ट्रांसपोर्ट वाला है, गाड़ी से जुड़ा है, मंडी में जाएंगे भर ले वहाँ पे भी लेबर चाहिए, लेबर का भरवाई उतरवाई हमको देना, माल तुम्हारा है लोडिंग हमको देना है, ये कहाँ का नियम है, कैसा नियम MP में है। कोई माल लाएंगे अगर उसको अनलोडिंग करना है तो लेबर को पैसा हमको देना है, हम पहुँच गए दुकान पे तुम्हारे तुम्हारा माल है आपको उतरवाना चाहिए, आप अगर उतरवाएंगे नहीं भैया कल उतरेगी खरीदा तो साइड में कल उतरेगी, ये कौन सा नियम है। गाड़ी का 70,000-80,000 रुपया महीना किस्त देना है, कहाँ से आएगा भैया। लॉकडाउन भैया सब कोरोना का वो कह रहे थे, चाहे बस वाले ड्राइवर हुए, चाहे ट्रेन वाले, चाहे जहाज वाले, एक हम ही लोग ऐसा थे जो पूरे बम्बई का आदमी हम ढो ढो के यूपी बिहार पहुंचाए। पहली गाड़ी बम्बई मेरी गई थी लॉकडाउन में, पहली फर्स्ट गाड़ी मेरी गई थी, वहां से आदमी भर के हमें आए थे, पुलिस वाले मारते पैसा लेते थे रास्ते में, बताओ परेशानी में हम सबको पहुंचा भी रहे हैं, पैसा भी हमी दे मार भी हमें खाए और जान भी हम अपना कमा रहे हैं कि साला हमें भी नहीं करोना होगा। सब करोना तो बम्बई से आया, हम लोग ला रहे थे, हम लोग को करोना नहीं हुआ, पुलिस वाले मारते भी थे पैसा भी लेते थे, तो क्या किया जाएगा भाई, पहुंचाना था हमें पहुंचा रहे थे। आप त्योहारों पे सही घर पहुंच जाते हो भैया? त्योहार पे तो बिल्कुल नहीं पहुँचते, दिवाली हो गया, होली हो गया, दशहरा हो गया, कोई त्योहार है अगर टाइम से पहुंच गए तो अच्छी बात है, नहीं पहुंच गए तो कोई बात है नहीं, गाड़ी में मना लेते हैं। साल में इतने त्योहार पड़ते हैं, हमको 2-4 ही मिलता है, हम लोग त्योहार पे नहीं, जो त्योहार घर पे नहीं मिलता गाड़ी में मना लेते हैं, क्या करें। दिवाली यहाँ से हम 2,000 किलोमीटर खड़े हैं, 1,700 किलोमीटर, हम घर पे कोई दिक्कत हो गया तो हम कहाँ पहुँच पाएंगे, तत्काल में नहीं पहुँच पाए, किसी त्योहार भी नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत नसीब के अगर सही है तो पहुँच गए, 2-4 दिन पहले गाड़ी खड़ी कर दिए तो आए, नहीं तो त्योहार हम लोग के लिए समझ लिए सब कुछ हम लोग का गाड़ी है, हमारा जो कुछ है वो गाड़ी हमारी, सब कुछ हम लोग का ही है, जो कुछ घर द्वार त्योहार माँ बाप भाई बंधु सब मेरी गाड़ी है, जो कुछ है सब गाड़ी है, प्रेजेंट टाइम में ये हमारे लिए हर चीज है, हमें इसी से सब लेना है, इसी को सब देना है, हमारी तकलीफ ये जानती है, इसका तकलीफ हम जानते हैं, या तो मेरे साथ जो बंदा रहता है वो जानता है, तीसरा ना कोई जानता है ना कोई सुनता है। सब लोग आपको अच्छा जानते हैं कि यार ट्रक वाला अच्छा खुश रहता है, यहाँ से वहाँ घूमता है, जब आप घूमने के लिए तो ऐसा कोई देश नहीं बचा, माल लेके आए यहाँ पे उतार दिए, अब हमको घूमना है तो इंदौर हम कहाँ जा सकते हैं, सिटी में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे,
हमेशा हमको ही बाहर बाहर रहना है। सब मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है बम्बई, जा रहे हैं घूमने, जा कहाँ घूमेंगे हम लोग, कहीं नहीं जाते हैं। गाड़ी छोड़ के हम लोग खड़े हो गए, भैया फोन किए ट्रांसपोर्टर माल बताया, हालात नहीं चलेंगे घूमने का। ऐसा कुछ भी नहीं है, तीन सोचता है अगले आदमी की कहना है, गाड़ी वाले बहुत सुकून में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी वालों के इतना परेशानी में कोई ही नहीं है। अगर एक निगाह से आप इतनी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं, आप जाके पता कर सकते हैं किसी से कि भैया आप कितने सुकून में, आप अपनी गाड़ी लाइफ से कितने खुश हैं, तो वो अगला बताएगा। बस यही है कि सीख लिए हैं किसी तरह गाड़ी, अपना परिवार जिला खिला रहे हैं। कहीं गाड़ी खड़ी हो गई, मालिक 400 रुपये एक दिन का भत्ता दे रहा है, तीन दिन से खड़े हैं, दोनों टाइम में 500-600 रुपये उठ जा रहा है खाने खाने में, 1-10 रुपये की चाय मिल रही है। दिन में दो आदमी कितना भी कम से कम खर्चा करेंगे, 2-3 चाय तो पी लेगा एक आदमी, पी लेगा भाई। सुबह नाश्ता करेगा दो आदमी, अगर आप लोग नाश्ते की दुकान पे चले गए तो कम से कम 100 रुपया गया बड़े आराम से, तो 400 रुपया भत्ता दे रहा है ड्राइवर को। हम लोग के कहो ये कि कहना स्टोव बर्तन है गाड़ी में, अपना खाना पेट भरता किसी तरह से चला रहे हैं। अगर हम लोग दोनों टाइम खाना खाएं होटल में या नाश्ता करें दुकान पे, तो हम लोग का नहीं चल पाएगा, जो इनाम मिलता वो भी चला जाएगा। होटल मालिक व्यापारी इनाम देते हैं वो भी चला जाएगा। आप कितने लंबे समय तक खाना नहीं खाते गाड़ी का? भैया कभी कभी तो भैया कोई भी टाइम में 24 घंटा खाना नहीं खाते, 36 घंटा बिक जाता खाना नहीं मिलता है, बस गाड़ी चलती रहती है चलती रहती है। टाइम पे पहुंचाना रहता है। हम लोग का कोई वो नहीं है कि हमने कब खाना खा लिया, 8 बजे भी खा लेते हैं, 12 बज जाते हैं, रात का खाने का नाश्ते का रात का 2-2 बज जाते हैं कि हम लोग 2-2 बजे खाना खाने जाते हैं। अच्छा कोई वो नहीं है कि मतलब जैसे हम लोग अभी खाना जानकारी हो गई कि अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, आगे रास्ते में जाम लगेगा तो हम इधर नहीं रुकेंगे कहीं, सीधा उसको निकाल के तभी गाड़ी रुकेगी। अगर कहीं जाम मिल गया वहाँ पर तो भैया हो गया काम, वहीं खाना सपना पड़े रहो भूखे प्यासे, इतनी इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है, 24 घंटा खाना नहीं मिलता, 36 घंटा बीत जाता है, कच्चे माल वाली गाड़ियों का बहुत परेशानी है। हाँ ये है कि हम लोग अपना व्यवस्था, जैसे गाड़ी लोड हो रही है तो हर चीज की व्यवस्था करके गाड़ी में रख लेते हैं। किस किस टाइप की व्यवस्था, मतलब उसमें क्या क्या आ जाता है? मान लीजिए खाने का सब्जी हो गया, चावल हो गया, तेल मसाला सब रख लिए, उसके बाद चलते रहे, जहाँ जहाँ मिल गया, जहाँ कुछ हो गया, धीरे से ऊपर उठाए, 2 रोटी बनाए, 2 सब्जी बनाए, खा लिए। अभी सोचो गाड़ी पे कान हमको बिरयानी मिलेगी तो भैया कभी नहीं मिलेगी, पूरा साल बीत जाएगा नहीं मिलेगी। टाइम है तो 2 रोटी खा लिए, जल्दी जल्दी बना लिए, सब्जी बना लिए, खा लिए, हो गया टाइम के ऊपर है। और ये जो ऊपर आपकी गाड़ी में बहुत सारे छोटे छोटे से बक्से बने हुए हैं ना, क्या 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 रखते हैं आप इसमें, मतलब किस किस तरह? कॉपी रखने के लिए बने हैं, और मतलब शीशा साफ करने के लिए पेपर रखने के लिए बने, गाड़ी का पेपर रखने, फाइल रखने के लिए बने, कपड़ा लगता रख लेते हैं, बस यही सब सामान रखने के लिए सब बने बक्से। अच्छा, और आपके कपड़े वगैरह का बैग, कितने जोड़ी कपड़े लेके निकलते हैं आप घर से? हम लोग घर से खाली 2 जोड़ी कपड़े लेके निकलते हैं, एक पहन के निकलते हैं, एक बैग में रख कर निकलते हैं, बाकी चाहे साल पूरा बाहर बिक जाए कपड़ा वही रहेगा, दूसरा कोई कपड़ा नहीं। अच्छा, आखिरी बार अपने कपड़े कब खरीदे थे? आखिरी बार कपड़े अभी तो परसों हमने खरीदे। अच्छा, कल नहीं परसों वैसे ही खाली किए कपड़े। कितने कितने दिनों में आप कपड़े खरीदते हो? भैया कपड़े हम लोग का कोई गारंटी नहीं, 2 महीने बिक जाते हैं, 3 महीने बिक जाते हैं, 1 महीने भी नहीं बिकने पाते हैं, ऐसा तो काम है हम लोग का, कहीं पोंछा लगा फट गया। देखिए कोई गाड़ी में काम आ गया, गाड़ी कहीं कोई दिक्कत आ गई, टायर खराब हो गया, गया और गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई, गाड़ी के नीचे चले गए, कपड़ा बेकार हो गया, तो दूसरा गाड़ी के नीचे कोई भी जाएगा तो उसको कपड़ा बेकार हो जाएगा। इतनी दूर गाड़ी चल रही है, धूल मिट्टी कचरा सब तो गाड़ी के नीचे आ रहा है, कपड़ा बेकार हुआ तुरंत कपड़ा ले लिए बाहर से। गाड़ी का काम एक समझिए कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो है कि आदमी अपना किसी तरह से परिवार जिला खिला रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी आपको हाईवे पे चलते हुए किन टाइप के लोगों से होती है? पुलिस वाले हुए, पहला तो पुलिस वाले हुए, दूसरे कान है जो छीना झपटी करते हैं, चोरी वाले,
और कभी कभी देखते हैं रोड पे अचानक से जानवर बैठे रहते हैं। अब गाय तो भैया, गाय से तो सबसे ज्यादा परेशानी झांसी रोड में है। कौन से आप किस गाय की परेशानी झांसी रोड में है? झांसी बॉर्डर जैसे पार करते हैं तभी एमपी में पूरा गाय ही गाय है, पूरा रोड पे छोड़ देते हैं। अगर गाय को कुछ हो गया गाड़ी रुकवा लेते हैं, पूरी पूरी गाय का पैसा ले लेते हैं और रोड पे ऐसे गाय ताड़ देते हैं। अभी आप कभी चलिए वहाँ देखिए कितनी गाय रोड पे ताड़ देते हैं। पूरा एबी रोड पे आपको बहुत सारी गाय मिलेगी। इतना गाय सब जितनी गाय है सब रोड पे रहती है। अगर तनी भर गाय को टच हो गया तो पूरी गाय का पैसा ले लेते हैं, नहीं दोगे तो मार रहे हैं। गाड़ी खड़ी करके हम लोग गंडा लेके जाते हैं, गाय को हटाते हैं रोड से, हटिए माता जी तब हम लोग निकले। और जो कहीं भाई चारा थोड़ा बहुत गाड़ी है भैया, अगर गाय है जानवर है कहीं से, अगर हम हॉर्न बजा रहे हैं अगर इधर उधर से लग गई तो कान है गांव वाले घेर के पूरा पैसा लेते हैं। गाड़ी खड़ी करो भैया, आपकी गाय अपने घर पे बांधो ना, रास्ते में क्यों रखे हो? आज के प्रेजेंट टाइम में किसी ड्राइवर की शादी किसी अच्छे लड़की से नहीं हो रही है। पहले नंबर अगर कोई बात हो, ड्राइवर नशा करे या ना करे, ये भी कहते हैं तो पीता तो जरूर होगा, चाहे वो तम्बाकू तक ना खाता हो तो यही कहते हैं ड्राइवर है पीता तो जरूर होगा। भैया ड्राइवर एक ऐसा जात हो गया है। आप कितने टाइम में ड्राइविंग करते टाइम ड्रिंकिंग करते हो या नहीं? भैया हम लोग ड्रिंक नहीं करते। देखो हमारे अंदर खाली एक नशा, एक गुटके का एक सिगरेट का, वो भी खाना खाने के बाद सिगरेट चाहिए, गुटका तो 24 घंटा चाहिए। ऐसे कितने ड्राइवर है जो ड्रिंकिंग करके चलाते हैं और नॉर्मली चलाते हैं? भैया देखो ड्रिंक हमारी गाड़ी मानती नहीं है, अगर हम ड्रिंक कर लिए गाड़ी पे स्टेयरिंग पे बैठ गए तो रास्ते में हमें रह जाएगी, मंजिल तक नहीं पहुँचा। आपकी इमेज ऐसी बनी हुई है कि ट्रक ड्राइवर हमेशा कोई दारू पी के ऐसे वैसे चलाता है, तो नॉर्मली आपके साथ कितने ड्राइवर? हम लोग देखिए ब्राह्मण जात से हैं, ठीक ना, ना मीट ना मछली ना मुर्गा ये सब तो चलता नहीं, तो ड्रिंक भी नहीं चलती है, खाली गुटखा चलता है हम लोगों का। वो तो हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें 24 घंटा 36 घंटा जागना रहता है, 24 घंटे 36 घंटे में 24 सेकंड कहीं आग नहीं झक पाते हैं, खाली चलते ही रहते हैं। सबसे ज्यादा भैया तो पुलिस वाले से तंग है, कहीं पुलिस वाला रोकते हैं ना कोई बात ना कोई सुनवाई, पैसा ले आओ फाइल ले आओ, पहले फाइल रख लेंगे उसके बाद 5,000 मांगेंगे तो तुम्हें 5,000 देना पड़ेगा। अगर कुछ भी आप नहीं किए हो आएंगे बोलेंगे फाइल दे दो, फाइल में आप दे दिए उसके बाद इतना लाओ पैसा, जितना मांग लिया उतना उनको दो। अगर सर कहो उन्हें तो सीधा कहते हैं भोसड़ी के पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा, गाड़ी अंदर कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं हम लोग को देना पड़ता है। भैया फाइल ले लेते हैं, कागज ले लेते हैं तो देना ही है, लाइसेंस ले लेते हैं देना ही है, क्योंकि हमारा मेन हथकड़ा वही है। पेपर काम कहाँ जाए, पेपर दे दिए लाइसेंस दे दिए तो हम जाएंगे, तो अगर आगे कोई मिलेगा तो हम फिर क्या दिखाएंगे, जब इन्हें देखे हम चले जाएंगे, एक दिन का तो काम है नहीं, काम बराबर हमें वही करना है। सबसे ज्यादा भैया तो हम लोग पुलिस वाले से तंग रहते हैं, क्या किया मजबूरी है भैया, चल रहे हैं दे रहे हैं। पहले नंबर तो